गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम हेमंत। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर केमिस्ट्री। पिछली क्लास में हम मेटल एनर्जी की बात कर रहे थे बेटा, जिसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी बोलते हैं अपन। यहाँ पे पिछली क्लास में हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग पढ़ लिया था। आज जो हम पढ़ेंगे वो ओर ड्रेसिंग, या इसी को बोलते हैं कंसनट्रेशन ऑफ ओर या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें आपके क्या होते हैं। देखिए, इसमें स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स आपके आएंगे उनको पहले बात डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, जो स्टोन्स आपके जो हमने माइनिंग करके निकाला उसको फाइन पाउडर में चेंज कर लिया। जो फाइन पाउडर चेंज किया है उसमें आपके ओर भी हैं प्लस में इम्प्योरिटी है, ठीक है। ये इम्प्योरिटी अनवांटेड है, या आपका सिलिशियस मटेरियल भी हो सकता है। सिलिशियस मतलब रेत आपका, रॉक्स हो सकती हैं इस तरह से। तो ये जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है ओर के अंदर, इसको अपने को क्या करना है, सेपरेट करना है, और इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जैसे आप एक आम भाषा में एग्जांपल समझिए, जैसे अपने पास दाल है, उसके अंदर क्या है, स्टोन्स है। तो उस स्टोन्स को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं। तो वो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ पल्सेस, मतलब उस जो पल्सेस है उसमें से हमें क्या निकालने, स्टोन्स निकालने। बस यही करना अपने को, हमें कंसंट्रेशन ऑफ ओर करनी है, सिर्फ ओर को ही कंसंट्रेट करना है, और जो अनवांटेड चीज़ है, इम्प्योरिटी है, उसको क्या करना है, रिमूव करना है। यही करना अपने को किसमें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग, या इसी को बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ ओर। चलिए देखिए, जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है ओर के अंदर, ये आपकी अनवांटेड है और सिलिशियस नेचर की होती है। इस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गेंग्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग्यू बोलते हैं। इसी गैंग्यू को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं, हाँ, है ना। तो गैंग्यू और मैट्रिक्स जो होती है वो आपकी क्या होती है, जो अनवांटेड आपके मटेरियल्स है, सिलिशियस मटेरियल है जो कि ओर के अंदर प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, गैंग्यू और मैट्रिक्स। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो क्या होगी, द अनवांटेड सिलिशियस मटेरियल, सिलिशियस अर्थी मटेरियल विच प्रेजेंट इन ओर अलोंग विद ओर नोन एज गैंग्यू। और इसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, हाँ, है ना। मतलब जो आपने फाइन पाउडर करके, मतलब आपने जो आयरन मिल की सहायता से उसको फाइन पाउडर चेंज किया है, उस फाइन पाउडर के अंदर आपकी क्या है, इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग्यू या मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है गैंग्यू और मैट्रिक्स की। मतलब जो अनवांटेड सिलिशियस अर्थी मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे गैंग्यू और मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सैंड हो जाएगा, या आपके कोई स्टोन पार्टिकल्स हो जाएंगे। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं इसमें। तो इसमें एग्जांपल आप लिखना चाहो, सैंड है, स्टोन है, ETC, ठीक है। ये आपका एग्जांपल, फटाफट इसको राइट डाउन करिए। चलिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कि रिमूवल ऑफ गैंग्यू पार्टिकल फ्रॉम ओर, कि हमें गैंग्यू पार्टिकल को रिमूव करना है, मैट्रिक्स को रिमूव करना है ओर से। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर या ओर ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन ऑफ ओर। देखिए, आपकी पहाड़ थे, इसमें माइनिंग करी आपने सबसे पहले, और यहाँ पे क्या हुए, आपके बड़े बड़े टुकड़े पत्थरों के, ठीक है। नॉर्मल से आप पिक्चर क्रिएट करिए, इस पिक्चर को हमने क्या, इस बड़े बड़े पत्थर को हमने छोटे पत्थरों में चेंज किया, क्या हुई, ये प्रोसेस क्रशिंग हो गई। यहाँ तक आ गया अपन। इस क्रशिंग को हमने क्या किया, फाइन पाउडर में चेंज कर लिया, जिसका प्रोसेस क्या नाम, क्या है, पल्वराइजेशन नाम है, ठीक है। पल्वराइजेशन, अब यहाँ पे इसमें ओर भी है और क्या है, इम्प्योरिटी भी है, ठीक है। यहाँ तक अभी तक इतना प्रोसेस अपन ने क्या किया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग किया है। अब जो अपन बात करेंगे, इस ओर और इम्प्योरिटी को रिमूव करना है, इस मतलब रिमूवल ऑफ मैट्रिक्स या गैंग्यू पार्टिकल, मैट्रिक्स या गैंग्यू पार्टिकल्स फ्रॉम किसे करोगे, फ्रॉम ओर, नोन एज
इसी को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या इसी को ओर ड्रेसिंग बोल देंगे, ठीक है, इसी को बेनिफिकेशन ऑफ ओर बोलता हूँ, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ओर ड्रेसिंग या बेनिफिकेशन ऑफ ओर की। फटाफट राइट डाउन करिए। चलिए देखिए, मेथड यूज इन ओर ड्रेसिंग, ओर ड्रेसिंग में आपके कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, और यहाँ पे देखिए पहला जो मेथड है वो आपका है हैंड पिकिंग मेथड है। सिंपल नाम से पता चल रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, नेक्ड आई से सेपरेट करेंगे और इम्प्योरिटी को। सेकंड मेथड जो है वो आपका कौन सा है, यहाँ पे ग्रेविटी मेथड है, ग्रेविटी मेथड को ही क्या बोलते हैं, लेविगेशन मेथड बोलते हैं, इसी को हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं, ठीक है। थर्ड जो है आपका वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। देखिए नाम से पता चला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इसमें हम और इम्प्योरिटी मतलब जो गैंग्यू पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट करते हैं, किसकी सहायता से करेंगे सेपरेट, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से सेपरेट करेंगे, मतलब मैग्नेट लगा देंगे, मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से और इम्प्योरिटी को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस मेथड को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। अगर और इम्प्योरिटी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से सेपरेट करें, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, ठीक है। इसमें हम किसकी सहायता से यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से यूज करेंगे, आया ना। और इसमें हम किसकी सहायता से सेपरेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से सेपरेट करेंगे, आ रही बात समझे। फिफ्थ आपका है यहाँ पे, फिफ्थ पॉइंट होगा आपका यहाँ पे जो सेपरेट है, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसमें हम देखेंगे कि और जो इम्प्योरिटी होती है उसमें एक तो आपका फ्रोथ बनाता है, फ्रोथ मतलब जो झाग होता है, जैसे आप उन बाल्टी लेते हैं, बकेट लेते हैं, उस पानी के अंदर जो शैम्पू या आप डिटर्जेंट डालते हो तो उसके ऊपर जो फ्रोथ बन जाता है, झाग को बोलते हैं फ्रोथ, ठीक है ना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड आपका। और सिक्स्थ जो आपका मेथड है वो आपका क्या है, ब्लीचिंग होता है आपका, ब्लीचिंग कपड़ों के लिए यूज़ होता है, आपकी एनिमल की जो खाल होती है उसमें यूज़ होता है ब्लीचिंग। यहाँ पे अपने को जो मेथड यूज़ करना वो है लीचिंग मेथड, ठीक है। अब बात करें अगर इनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपका लीचिंग है, फ्रोथ फ्लोटेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, और आपका ग्रेविटी मेथड है, ये आपके इम्पोर्टेंट है। और इनमें भी अगर मैं बात करूँ, ग्रेविटी मेथड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और लीचिंग मेथड, तो इनमें भी अगर इम्पोर्टेंट देखे जाए तो लीचिंग मेथड आपका इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, और फिर आपका कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन है, और फिर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, आ रही बात समझे। मतलब तीन मेथड तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, लीचिंग मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है। एक फटाफट इसका नाम लिख दीजिए इनके फटाफट, फिर इसको आगे पढ़ते हैं क्या है ये आपके। चलिए पहला मेथड आपका कौन सा, हैंड पिकिंग मेथड, नाम से पता चल रहा है हैंड पिकिंग मेथड। किस में यूज़ करेंगे भाई, ये तब यूज़ करेंगे जब आपकी इम्प्योरिटी जो है वो और से क्या हो, डिस्टिंग्विश हो, मतलब आपको दिखे। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे समझिए कि ये आपके पास क्या है, यहाँ पे पल्सेस है, ठीक है, ये आपकी दाल है सपोज गिरी, यहाँ पे आपके पास पल्सेस अलोंग विद स्टोन्स है। स्टोन्स को मैं यहाँ पे डार्क से दिखा देता हूँ, ठीक है, इसमें ये आपके पत्थर है, ठीक है, ज़्यादा मिलावट नहीं करेंगे, ये आपके क्या है, स्टोन्स हैं, ठीक। अब आपके घर पे जो मम्मी है उसको कैसे डिस्टिंग्विश करती है, ऐसे तो हाथ नहीं, हाँ भाई उसको मशीन के अंदर ले जाके कोई प्रोसेस करवाएगा, लॉन्ग प्रोसेस है, उसको तब सेपरेट करेंगे। हाँ भाई अपने घरों में है जो, उसको सेपरेट कैसे करते हैं, उसको थाली के अंदर रखते हैं और उसको सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको पिकिंग की सहायता से करते हैं, आपको दिखता है कि ये आपका स्टोन है और ये आपके क्या है, पल्सेस है। तो ये हैंड पिकिंग मेथड उन
उसमें यूज़ करते हैं जिसमें आपका क्या है इम्प्योरिटी क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, किससे डिस्टिंक्ट हो आपकी, यहाँ पे ओर से डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, आपको पता चल जाए कि ये ओर है और ये आपकी इम्प्योरिटी है, उस केस में हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये फटाफट इसमें लिख दीजिए, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड in that type of case in which ore and impurity are distinct with each other so we can easily separate impurity from ore. Such type of method is known as hand picking method, ठीक है। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, पल्सिस की जगह पे मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, ओर कर दूँ, और ये स्टोन्स की जगह पर स्टोन्स या इम्प्योरिटी कर दो, आया ना, फटाफट इसके डायग्राम बनाइए। देखिए दूसरा मेथड आपका कौन सा, ग्रेविटी मेथड, लेविगेशन मेथड और हाइड्रोलिक वॉशिंग मेथड। देखिए जितने भी आपके मेथड्स हैं ओर ड्रेसिंग में, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि किस ओर के लिए काम में आ रहा है। सबसे पहले आपको ये बताओ कि विच ओर, ये जो मेथड यूज़ हो रहा है वो कौन से ओर के लिए यूज़ हो रहा है, सल्फाइड ओर है आपका या ऑक्साइड ओर है या और कोई आपका ओर है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेविगेशन मेथड हैविंग विच यूज इन विच टाइप ऑफ ओर, ठीक है। तो कौन सा ओर आपके लिए काम में आएगा, यहाँ पे ऑक्साइड ओर है, सल्फाइड ओर है, तो विच ओर के लिए आपका कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है। दूसरा आपका यहाँ पे अगर बात करूँ मैं, दूसरा अगर पॉइंट है यहाँ पे तो प्रिंसिपल, कि ये जो आपके मेथड्स हैं उसका प्रिंसिपल क्या है आपका, ठीक है। जैसे मैं अगर बात करूँ, सपोज़ करिए कि आपका हैंड पिकिंग मेथड, उसमें सिंपल आपका प्रिंसिपल क्या होता है कि और जो आपकी इम्प्योरिटी हैं वो क्लियरली डिस्टिंग्विश होती हैं आपकी बाय नेकड आई, ये आपका सिंपल सा प्रिंसिपल है उसका, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करूँ मैं थर्ड जो आपका, वो एक डायग्राम होगा, इसमें डायग्राम प्लस में उसकी वर्किंग, ये सीक्वेंस आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं लेविगेशन मेथड और आपकी हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी मेथड। देखिए अगर बात करूँ मैं यहाँ पे कौन से ओर काम में आते हैं, तो यहाँ पे जो आपके काम में आते हैं, जैसे ऑक्साइड ओर है उसके लिए काम में आता है ये मेथड, जो वो ऑक्साइड ओर के लिए काम में आता है, पहली बात। दूसरी आपका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल के ऊपर ये आपका बेस्ड है, नाम से पता चल रहा है ग्रेविटी मेथड। ग्रेविटी किसके ऊपर काम करेगी, कि कोई आपका ऑब्जेक्ट कोई हैवियर होगा और कोई आपका लाइटर होगा, मतलब कोई हल्का होगा कोई आपका भारी है, सीधी सी बात है। कोई आपके पास एक, मैं अगर यहाँ पे पेन ले लूँ यहाँ पे और एक डस्टर ले लूँ जिसका वेट ज़्यादा हो, उस पर क्या होगा, जल्दी से आपका नीचे जाएगा, बस यही यहाँ पे मेथड लगेगा। तो यहाँ पे जो आपका प्रिंसिपल काम करेगा वो क्या करेगा, कि जो ओर और जो गैंग्यू है उसकी जो ग्रेविटी है वो दोनों के ऊपर क्या करेगी, अलग अलग काम करेगी, मतलब ग्रेविटी डिफरेंस ओन ग्रेविटी डिफरेंस ओन ओर एंड इम्प्योरिटी की जगह आप गैंग्यू लिख सकते हो, गैंग्यू या मैट्रिक्स दोनों ही बात, ठीक है। यहाँ पे जो प्रिंसिपल हुआ आपका क्या है, कि जो
ग्रेविटी डिफरेंस होगा, एक आपका क्या होगा हल्का होगा और एक आपका क्या होगा भारी होगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे जनरली क्या होता है, जनरली आपका क्या होता है कि जो ओर होता है वो आपका हैवियर लेते हैं यहाँ पे, हैवियर मतलब जो आपका भारी है। अगर दूसरा अगर बात करो इम्प्योरिटी या गैंग्यू पार्टिकल है, जो गैंग्यू पार्टिकल वो कैसा है, लाइटर होता है, हल्का होता है। अब सीधी सी बात है यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे पानी एक साइड से छोड़ेंगे विद मिक्सर किसकी सहायता से। अब यहाँ पे जो आपका लाइटर होगा वो पानी के स्ट्रीम के साथ, पानी के बहाव के साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा, और चला जाएगा तो वहाँ पे आपके जो ओर और आपके गेंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। हाँ या ना। अब यहाँ पे मैं डायग्राम और वॉशिंग की बात कर रहा हूँ, फटाफट एक बार ओर और प्रिंसिपल आप लिख दीजिए जल्दी से। चलिए देखिए, अगर हम डायग्राम की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है, इसमें जो आपका अपरेटस यूज़ होता है, उस अपरेटस को बोलते हैं विल फ्ले टेबल। ठीक है, होता कुछ नहीं है, नाम ही आपका यहाँ पे ऐसे लिख रखा है। विल फ्ले टेबल कैसा होता है, जब आप अपस्ट्रीम जाते हो, जैसे आप सपोज कीजिए सीढ़ी है आपकी घर में, आपके जो सीढ़ी होती है वो कुछ ऐसा होता है, हाँ या ना, कुछ ऐसा आपका, मतलब आप जैसे छत के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे सीढ़ी इस तरह से ऊपर चढ़ती हुई जाती है, बिल्कुल यही है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी जो किनारी होती है उस किनारी को क्या कर देते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये आपकी एक सीढ़ी है और ये दूसरी सीढ़ी है, ठीक है, इस किनारी में हम छोटा सा यहाँ पे इसमें इस तरह से कर देते हैं, आप समझ रहे हो, मतलब इसकी जो किनारी है उसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। क्यों करते हैं, ताकि जो आपका ओर आएगा वो ऐसे नहीं कि आपका गैंग्यू पार्टिकल के साथ चला जाएगा, मतलब इसकी जो किनारी है उसको हम थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, इसको यहाँ बस इतनी सी हाइट देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिक्सर ले लेते हैं आपका, मिक्सर में ओर है प्लस में आपका क्या है यहाँ पे गैंग्यू पार्टिकल है, हाँ या ना, और हमें पता है कि ओर जो है वो आपका कैसा है, हैवियर है, और हैवियर होगा तो सीधी सी बात है ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी उसके ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है गैंग्यू है, ठीक है, गैंग्यू आपका क्या होता है लाइटर है, ठीक है। यहाँ से आपका मिक्सर आना शुरू हुआ और यहाँ से आपका जो वाटर है ये यहाँ से आपका वाटर फ्लो होगा, यहाँ से वाटर फ्लो होगा तो आप खुद देखिए ये वाटर के साथ साथ दोनों चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आपका वाटर के साथ साथ क्या हुई, ये दोनों चीज़ें आई यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास ओर है। अब हमें पता है कि जो आपका गैंग्यू पार्टिकल हो वो कैसा है, लाइटर नेचर का है। अब वो पानी के साथ क्या होता जाएगा, बहता चला जाएगा, हाँ या ना, जैसे पानी यहाँ पे आया तो आपके यहाँ पे चला गया, अब यहाँ पे पानी आया तो वो उसको साथ ले जाता यहाँ पे ले जाएगा, बिल्कुल। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ओर पार्टिकल भी तो जाते हैं, ओर पार्टिकल स्पीड से ना जाए इसीलिए हमने क्या करी है, उसकी जो किनारी है उसको ऊँचा कर दिया थोड़ा सा, ऊँचा करने पे जो अगर ओर पार्टिकल्स अगर आएगा, जैसे सपोज कीजिए आपका ओर पार्टिकल्स अगर पानी के साथ बहे भीगा तो वो यहाँ पे इस किनारे से टकरा के रह जाएगा, आ रही बात समझे, तो यहाँ पे हम इस किनारे को थोड़ा सा ऊँचा इसलिए करते हैं, इसी को बोलते हैं विलफ्ले टेबल। तो यहाँ पे पानी आ रहा है आपका और आपके सेटल डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, इनके ऊपर फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पानी के बहाव के साथ जाने दे, क्योंकि इनका मास ज़्यादा है, हैवियर है। अब लाइटर नेचर का गैंग्यू पार्टिकल वो धीरे धीरे आपका क्या होता जा रहा है, आगे चला जा रहा है, ठीक है। अब वो यहाँ पे आपका सपोज कीजिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, गैंग्यू पार्टिकल्स हैं और ये आपका गैंग्यू पार्टिकल यहाँ पे इकट्ठा हो गया, गैंग्यू पार्टिकल्स यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब कईयों के दिमाग का आ रहा होगा सर यहाँ पे भी तो बीच में हो सकता है गैंग्यू पार्टिकल, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ये थोड़ी कि हमें एक बार में इस प्रोसेस को करते हैं, यहाँ पे सपोज कीजिए इन में अपने पास और यहाँ तक इकट्ठे हो गए, सपोज कीजिए यहाँ पे अपने पास और है और यहाँ पे जो लास्ट में गए हैं
कुछ और पार्टिकल्स भी गए और इम्प्योरिटी भी गई, बिल्कुल गई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतने जो प्रोसेस है जिसमें और भी है और प्लस में गएंगे पार्टिकल भी है। देखिए कोई भी चीज़ जो है 100% क्लियर नहीं होती। आप पता है कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो ये नहीं कि आपको 100% आउटपुट मिलता है। यहाँ पे आपने पानी छोड़ा तो पानी के साथ साथ कुछ ऐसे और भी होंगे जो आपके लाइटर नेचर के होंगे, सारे के सारे आपके सिमेट्रिकल नेचर के नहीं होते। मशीन आपकी फाइन पाउडर बनाएगी तो कोई छोटा बनाएगी, कोई बड़ा बना सकती है। हम नॉर्मली ये बात कहते हैं कि और आपका हैवियर नेचर है जिसके कारण ये यहाँ पे आपके रुक जाते हैं, और जो आपका गैंग्यू पार्टिकल्स है वो आपके यहाँ पे क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो इस जो और गैंग्यू पार्टिकल्स है यहाँ पे जो रुके हुए हैं उसको हम क्या कर देते हैं, दोबारा रिपीट कर देते हैं, दोबारा रिपीटेशन करते हैं। और दोबारा रिपीटेशन करेंगे तो आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, सिर्फ गैंग्यू पार्टिकल मिलेगा लास्ट में। इस प्रोसेस को एक दो बार यूनिट आप रिपीट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सिर्फ और पार्टिकल्स आपको इकट्ठे मिलेंगे। यहाँ पे जो आपके हैं ये क्या है, केवल और है आपके, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या है, गैंग्यू पार्टिकल्स। तो हमने गैंग्यू पार्टिकल्स जो आपका मैट्रिक्स है और से क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते थे अपन, कंसंट्रेशन ऑफ और, मतलब रिमूवल ऑफ गैंग्यू पार्टिकल्स फ्रॉम और, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओ ड्रेसिंग। यही तो था आपका। अब यहाँ पे इसको क्या है आपका, यह मेथड आपका क्या कहलाता है, लेविगेशन मेथड, या इसी को बोलते हैं अपन हाइड्रोलिक वॉशिंग या ग्रेविटी मेथड। ठीक है, फटाफट इसमें लिख दीजिए एक बार, फटाफट करके डायग्राम बना दीजिए और लिखना शुरू करिए। इसमें लिखिए, इन दिस मेथड वी टेक विल्फ्ले टेबल एंड एट द टॉप ऑफ विल्फ्ले टेबल वी टेक मिक्सर ऑफ ओर एंड गैंग्यू पार्टिकल्स अलोंग विद वाटर स्ट्रीम सोर्स। ठीक है, मतलब पानी का थोड़ा प्रेशर ज़्यादा हो, वाटर स्ट्रीम सोर्स। नेक्स्ट लाइन से लिखना, वी नो दैट गैंग्यू पार्टिकल्स आर लाइटर इन नेचर, so they are flow along with water as a result of this impurity will be removed from ore. This process is known as gravity method, levigation method, hydraulic washing. ठीक है, स्टार करके एक बात लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिख देना, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड फॉर ऑक्साइड ओर। ये बात लिखवा भी दी थी मैंने शॉर्ट फॉर्म में, प्रिंसिपल आपने लिख ही दिया, स्टार करके लिख दो, दिस मेथड इज मेनली यूज्ड इन ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर कौन कौन से, हेमेटाइट कौन सा था आपका, आयरन का था, बिल्कुल आयरन में आपका। यहाँ पे हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3। ठीक है, ऑक्साइड ओर में जैसे आपका टिन स्टोन है, टिन स्टोन जैसे आपका, मैंने आपको ट्रिक में बताया था, ओर
कि टीना यह कैसेटराइट है, कैसेटराइट, टीन स्टोन को ही कैसेटराइट बोलते हैं, कैसेटराइट, ठीक है, टीन स्टोन को ही कैसेटराइट बोलते हैं। और यहाँ पे कैसेटराइट का फॉर्मूला होता है SnO2, ठीक है। ये आपके कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्साइड और के, ETC कर दो, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड देखा और दूसरा आपका लेविगेशन मेथड देखा। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, कैसे आपका वर्क करता है, कैसा प्रिंसिपल आपका और किस और के लिए यूज़ करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो जब भी आए तो आपको मिल सके। नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर देना। थैंक यू वेरी मच।